Hello, good morning everyone. Welcome in zoology with Dr. S.K. Saini. हम बात कर रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड और उसमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड की स्टडी की पूरे वीडियो में, और अब आगे हम बात करेंगे एक नई ग्लैंड के साथ में, जो कि एक महत्वपूर्ण अपने शरीर के अंदर एक इम्पोर्टेंट शरीर के अंदर फंक्शन को कंप्लीट करती है, और उस ग्लैंड का नाम है, आइए हम देखते हैं, उस ग्लैंड का नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जहाँ इसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड के ऊपर ये पाई जाती है और कहाँ पर पाई जाती है, पीछे की ओर पाई जाती है, इसलिए अपन इसे कह रहे हैं पैराथायराइड ग्लैंड। और एम्ब्रियोनिक ओरिजिन इसका एंडोडर्मल और एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है। भ्रूणीय झिल्ली के भ्रूणीय मेम्ब्रेन बनती है अपने अंदर, यद्रम लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीन धर्म लेयर बनती है जिसमें अलग अलग लेयर अलग अलग ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कर रही है। तो यहाँ पर आपको पूर्व में बताया था थायराइड ग्लैंड का ओरिजिन भी एंडोडर्म से होता है और यहाँ पैराथायराइड ग्लैंड का ओरिजिन भी एंडोडर्म से होता है। तो एक पैराथायराइड ग्लैंड है, उसकी अपने स्थिति देखें किस प्रकार से, तो ये ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के ऊपर पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड के ऊपर भी कहाँ, तो कल बताया था आपको ये पीछे की तरफ, जो अपने नेक के अंदर थायराइड ग्लैंड है उसके बैक पार्ट की तरफ पीछे की तरफ ये ग्लैंड उपस्थित होती है। येलो कलर की स्ट्रक्चर है जिसकी संख्या चार होती है, छोटी छोटी लोब्स के रूप में चार संख्या होती है, 1 2 3 4 4 नंबर है, तो सामने से दिखाई नहीं देती, डोर्सल रीजन की तरफ यहाँ उपस्थित होती है। तो ऐसी ग्लैंड को अपन पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। इस ग्लैंड की हिस्टोलॉजी अपन देखें, ये जो ग्लैंड है इस प्रकार से एक बड़ी हिस्टोलॉजी अपन देखें तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पर उपस्थित है। ये इस प्रकार से अंदर है कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल सेल से निर्मित यहाँ पर एक पार्ट है, तो इस प्रकार से ये उपस्थित होती है। और इसके अंदर दो प्रकार की कोशिका है, सेल नंबर 1 है चीफ सेल और सेल नंबर 2 है यहाँ पर ऑक्सिफिल सेल। 2 टाइप ऑफ सेल फाउंड इन पैराथायराइड ग्लैंड, नेमली चीफ सेल एंड ऑक्सिफिल सेल। दीज सेल आर सीक्रेट स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन, दिस इज कॉल्ड पैराथार्मोन हार्मोन और पीटीएच हार्मोन। तो वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और फास्फेट मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी के अंदर जो ईसीएफ है, ईसीएफ और ब्लड हम कह सकते हैं, उसके अंदर कैल्शियम और फास्फेट का मेंटेनेंस रखने के लिए यह हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो ऐसे हार्मोन को अपन कहेंगे यहाँ पर पीटीएच हार्मोन या पैराथार्मोन हार्मोन कहते हैं यहाँ। तो पैराथार्मोन हार्मोन है, इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने, जिसे अपने कोलिप वैज्ञानिक कहेंगे, कोलिप साइंटिस्ट कहेंगे, इसलिए आंसर होना है कोलिप हार्मोन, पीटीएच आंसर होना है कोलिप हार्मोन। तो ये यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कोलिप हार्मोन कौन सा है, तो पीटीएच एक कोलिप हार्मोन है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं यहां, तो इस चीज पर आप ध्यान दें, फोकस करें यहां पर कि पीटीएच हार्मोन क्या है, कोलिप हार्मोन है। और ये केमिकल नेचर में अपन देखें तो ये पेप्टाइड नेचर का हार्मोन है जो एमिनो एसिड से निर्मित हार्मोन होता है। या अब कोलिप हार्मोन या पीटीएच हार्मोन अपने अंदर क्या काम करता है, कौन कौन से यहां पर काम करता है, तो मोस्टली कोलिप हार्मोन अपने अंदर जो फंक्शन कर रहा है वो थायराइड ग्लैंड के जो एक हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, उसके विरोध में काम कर रहा है, उसके एंटागोनिस्टिक काम कर रहा है। कौन सा हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन व्हिच इज सीक्रेट बाय द थायराइड ग्लैंड। व्हाट टाइप ऑफ सेल, तो आप कहोगे सी टाइप ऑफ सेल सीक्रेट ऑफ द टीसीटी हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। तो अब ये टीसीटी हार्मोन क्या फंक्शन कर रही है, तो टीसीटी हार्मोन का काम भी कैल्शियम के लेवल को ब्लड में मेंटेन करना होता है और पीटीएच का काम भी यहाँ पर ये कैल्शियम के लेवल को ब्लड में मेंटेन करना होता है। दोनों एक दूसरे के एंटी फंक्शन करके ये मेंटेन करते हैं, इसलिए पीटीएच नॉन एज एंटागोनिस्टिक टू दी थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थायरोकैल्सिटोनिन या पीटीएच एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाले हार्मोन कौन सी है, तो आंसर होगा पीटीएच का पूछा है तो टीसीटी, और टीसीटी का पूछा है तो पीटीएच है, एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाले हार्मोन है। यहाँ टीसीटी मैं समराइज बताऊं, टीसीटी किस प्रकार से कार्य करता है, टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन एक ये भी पेप्टाइड हार्मोन है जो ये अपने ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता है और उस कैल्शियम को अब्सॉर्ब करके बोन के अंदर स्टोर करवाने का काम करता है। तो बोन में कैल्शियम को बढ़ाता है और ब्लड में कैल्शियम को कम करता है, इसलिए इसे कैल्शियमिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किसको, टीसीटी या थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन को हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन भी कहते हैं, लेकिन ये फास्फेट के लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ाता है। तो जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ती है तो कैल्शियम वहां से निकल जाता है, फास्फेट ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, इसलिए हाइपरफॉस्फेटिक हार्मोन भी कहते हैं। तो कैल्शियम का लेवल बढ़ता है या कब बढ़ता है बोन के अंदर, तब
कैल्सिट्रोनिन हार्मोन का लेवल बढ़ता है। तो इस प्रकार से आप कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करते हैं और ब्लड के अंदर कंट्रोल करते हैं। कौन? टीसीटी हार्मोन, और ब्लड से पूरा का पूरा ये कैल्शियम या अधिकतम कैल्शियम है वो बोन के अंदर अब्सॉर्ब किया जाता है, इसलिए बोन को कैल्शियम का रिजर्वायर भी कहते हैं, बोन को कैल्शियम की फैक्ट्री भी कहते हैं। जरूरत पड़ने पर अपना सेल है वो कैल्शियम वहां से लेती रहती है विभिन्न हार्मोन के प्रभाव से, क्योंकि कैल्शियम आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट या एक खनिज है। क्यों खनिज है? कैल्शियम आपके इम्पल्स कंडक्शन के लिए कैल्शियम आप चाहिए, इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए आपको कैल्शियम चाहिए, बोन मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए, ब्लड की क्लोटिंग के लिए आपको कैल्शियम चाहिए। कुछ ऐसे बॉडी के अंदर मेन फंक्शन है, उन फंक्शंस को करने के लिए यहाँ पर कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और वो कैल्शियम फिर कहां से मिलता है? अपने को ब्लड में से मिलता है। ब्लड में कहां से आता है? बोन में आता, बोन से आता है। इस प्रकार से बोन के अंदर रिजर्व के रूप में ये हार्मोन कैल्शियम को रखता है। तो अपन मोटे तौर पर बड़े तौर पर अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर कैल्सिटोनिन हार्मोन ये सब फंक्शन करता है। तो पीटीएच कैल्सिटोनिन का एक एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना यहाँ की एंटागोनिस्टिक पीटीएच का एंटागोनिस्टिक कौन सा? कैल्सिटोनिन एंटागोनिस्टिक है यहाँ पर। अब पीटीएच क्या काम करता है शरीर के अंदर? पीटीएच है कौन कौन से यहाँ पर काम कर रहा है? तो पैराथर्मोन हार्मोन का काम है ब्लड के अंदर कैल्शियम को मेंटेन करना। पैराथर्मोन हार्मोन जैसे ही रिलीज होगा तो यहाँ पर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। ब्लड के अंदर कैल्शियम को मेंटेन या लेवल बढ़ाने का कई तरीके यहाँ पर कर सकता है कि जैसे जैसे पीटीएच यहाँ पर आता है तो पीटीएच आएगा तो बोन को आदेश देगा कि वहां से कैल्शियम है वो बाहर निकल जाए। सपोज यहाँ पर ये आपकी ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर यहाँ पर पीटीएच हार्मोन यहाँ आया, ये पीटीएच आया और पास में यहाँ पर आपके पास में कोई बोन है, ये एक बोन पड़ी है, इस बोन के अंदर कैल्शियम अधिक जमा है, ये कैल्शियम जमा है। अब पीटीएच का लेवल यहाँ इंक्रीज होगा तो यहां से ये कैल्शियम इसके अंदर रिलीज होगा और कैल्शियम यहाँ ब्लड के अंदर आएगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा तो यहाँ पर कैल्शियम है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा यहाँ। तो इसका मीनिंग ब्लड में कैल्शियम बढ़ाने का काम कर रहा है कौन? पीटीएच हार्मोन कर रहा है, इसलिए इसे हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो पीटीएच आप कह सकते हो जैसे जैसे पीटीएच यहाँ पर आता है ब्लड के अंदर तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है। ब्लड में कैल्शियम आता कहां से? बोन से आता है, इसलिए बोन के अंदर कैल्शियम का लेवल है वो कम होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए आप इसे हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन कहोगे या हाइपो कैल्शियमिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं इसे। तो ये एक लेवल है ब्लड के अंदर कैल्शियम को मेंटेन रखना। दूसरा फिर कैल्शियम और कहां कहां से आ सकता है? तो अपने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी है, नेफ्रॉन के अंदर पीसीटी डीसीटी हेनले लूप है, विभिन्न भाग में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का रीअब्सॉर्प्शन होता है यहाँ। तो डीसीटी के अंदर मैंने कहा था कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है, जहां पर पूर्व में की एडीएच के प्रभाव से जल का पानी का अवशोषण होगा, एल्डोस्टेरोन के प्रभाव से सोडियम आयन का अवशोषण होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पीटीएच के प्रभाव से पैराथर्मोन हार्मोन के प्रभाव से कैल्शियम है वो ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब होगा और वहां से अब्सॉर्ब होकर ब्लड के अंदर मिलेगा, जिससे ब्लड में कैल्शियम का लेवल है वो मेंटेन रहेगा। तो इस प्रकार इन डीसीटी कैल्शियम लेवल री अब्सॉर्ब है वो हायर करता है और जिससे वह कैल्शियम ब्लड में मिलके कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। इसी प्रकार तीसरा जो तरीका है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का, जो भी फूड अपन डाइजेस्ट कर रही है और इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम जो कैल्शियम आयन होते हैं उनको यहाँ पर री अब्सॉर्ब करवाने में कैल्शियम ये हार्मोन पीटीएच हार्मोन है वो हेल्पफुल है। तो इस प्रकार से वहां अपने इंटेस्टाइनल सेल है उसको एक्टिवेट करके अधिक से अधिक कैल्शियम को अब्सॉर्ब करवाएगा, जिससे ब्लड में कैल्शियम का लेवल है वो बढ़ेगा या। तो इस प्रकार से ये कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखता है। ये इसके साथ में एक काम और भी करता है, ये अपने बोन की जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है उसको अपने प्रमोट करने का काम कर रहा है, उसको एक्टिवेट करने का काम कर रहा है। अपने बोन में टू टाइप की सेल है, एक ऑस्टियोक्लास्ट सेल और एक ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोन को मेकिंग करने का काम, फॉर्मिंग करने का काम कर रहा है, और ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोन को यहाँ पर है वो इसकी रीमॉडलिंग उसको तोड़ने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से ऑस्टियोक्लास्ट एक सेल है, उस सेल को क्या एक्टिवेट करेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम है वो रिलीज होगा और ब्लड में आएगा और बोन की रिमॉडलिंग करने में गया ये हार्मोन हेल्पफुल है।
इस प्रकार से आप एक कारण और कह सकते हो कि अपने अपने विभिन्न प्रकार के विटामिन लेते हैं, अपने अंदर विटामिन डी है वो इक्वल टू पीटीएच, पीटीएच के भांति काम करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कौन सा विटामिन है पीटीएच के भांति या हार्मोन के भांति कार्य करता है, तो विटामिन डी यहाँ पर पीटीएच के भांति या इसके भांति काम करता है। तो ये दोनों विटामिन डी और पीटीएच दोनों कार्य की दृष्टि से सिनर्जिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और विटामिन है, तो ये दोनों एक जैसा प्रभाव डालते हैं। विटामिन डी भी कैल्शियम अवशोषण करवाता है, पीटीएच भी यहाँ पर कैल्शियम को अवशोषण करवा के ब्लड में कैल्शियम का लेवल यहाँ मेंटेन करता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ कह सकते हो कि विटामिन डी है वो एक सिनर्जिक है, किसके सिनर्जिक है पीटीएच के सिनर्जिक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ ये समझा सकते हो। इसके बाद में यदि ये पीटीएच है वो अपने शरीर में इसकी अनियमित मात्रा हो जाए, कमी या ज्यादा मात्रा हो जाए इस पीटीएच की, तो इससे आपकी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, कौन कौन से रोग या कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं कि पीटीएच कम हो गया या पीटीएच बढ़ गया, या अपन कह सकते हैं दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम, कौन सा थायरोकैल्सिटोनिन और पीटीएच दोनों एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, इन दोनों की मात्रा में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ, अब पहले या थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी जो हार्मोन है, टीसीटी हार्मोन है, थायरोकैल्सिटोनिन का लेवल यदि कम हो जाए अपने शरीर में किसी कारण से, मान लो थायरोकैल्सिटोनिन का लेवल कम हो गया और पीटीएच का लेवल है आपके पास में अधिक हो गया, तो इसका क्या इफेक्ट होगा। पीटीएच का जैसे ही लेवल अधिक होगा तो आप देखिए, आपने देखा कि पीटीएच ये ब्लड के अंदर है, ब्लड वेसल्स है, इसमें पीटीएच आया और पीटीएच का लेवल यह अधिक होगा, और दूसरा टीसीटी है इसका लेवल यहाँ पर कम हो गया। जैसे कम हो गया तो आपके पास में यहाँ कोई बोन है, ये बोन है आपके पास में, ये बोन है, इस बोन के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट है, तो पीटीएच ज्यादा होने से क्या होगा, कैल्शियम इस बोन का इसमें आएगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम आएगा और ब्लड में कैल्शियम का लेवल है वो अधिक बढ़ जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम का लेवल है वो इंक्रीज हुआ। और इधर दूसरी साइड में टीसीटी है, इसका कोई विरोध नहीं कर रहा, टीसीटी का काम क्या था, कैल्शियम को इधर ले जाना, जबकि टीसीटी कम है, थायरोकैल्सिटोनिन कम है, तो अपने आप पीटीएच है वो अधिक होगा, पीटीएच अधिक हो रहा है तो कैल्शियम है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा, और ब्लड में जैसे कैल्शियम इंक्रीज होगा तो यहाँ बोन के अंदर है छोटे छोटे पोर हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम यहाँ ये कंडीशन डेवलप हो गई तो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम यहाँ पर आने पर इसमें छोटे छोटे पोर बन जाते हैं, इस पोर बनने से व्यक्ति के अंदर डिजीज हो जाती है, इस डिजीज को अपन कहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज के नाम से जानते हैं, यहाँ पर नाम लिखा है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज कब हुआ, हाइपोसिक्रीशन ऑफ पीटीएच, पीटीएच के कम सिक्रीशन से जो अपने अंदर रोग होता है उस रोग को अपन कहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये पोर मान लो कई बार बड़े हो जाती है तो बड़े होने पर इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू है वो फैल जाएंगे, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू है वो भर जाते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू भर जाने के कारण यहां पर और तेजी से बॉडी के अंदर पेन होता है, तो ऐसे एक फाइबर्स इस पोर के अंदर फाइबर भर गए कनेक्टिव टिश्यू के, जिससे बॉडी के अंदर दर्द होगा, उठते बैठते सोते समय दर्द होगा, तो इससे एक रोग, एक नया रोग बन जाता है, इस रोग को अपन फाइब्रोसा सिस्टिका कहते हैं। तो ये भी क्या हुआ, हाइपोसिक्रीशन ऑफ पीटीएच, पीटीएच की कमी से यहाँ पर एक रोग हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस जो प्रारंभिक अवस्था है, और उसकी लेट अवस्था है यहाँ पर फाइब्रोसा सिस्टिका डिजीज है, वो इस प्रकार की डिजीज है जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू है जमा हो जाते हैं। अब मान लो कंडीशन उल्टी हो जाए, दूसरी हो जाए, सपोज करो यहाँ पर कैल्शियम पीटीएच का लेवल है वो कम हो गया, पीटीएच का लेवल कम हो गया और टीसीटी का लेवल, टीसीटी और यहाँ थायरोकैल्सिटोनिन का लेवल अधिक हो गया, तो यहाँ पर क्रिया उल्टी होगी, कैल्शियम ब्लड के अंदर ज्यादा से ज्यादा है वो यहाँ पर बोन के अंदर जाएंगे, जिससे ब्लड में कैल्शियम का लेवल है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। आप पोजिशन को ऑपोजिट बना सकते हो, यहाँ पर ब्लड में कैल्शियम का लेवल है यहाँ पर कम हो गया, और जैसे ही ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो बोन के अंदर यहाँ पर कैल्शियम का लेवल है वो यहाँ इंक्रीज हो गया, बोन के अंदर कैल्शियम अधिक जमा हो गया, और जैसे ही बोन के अंदर कैल्शियम अधिक जमा होगा तो ये बोन की शेप जो है वो अनियमित आकार की, इस प्रकार से बोन की शेप है कई बार इस प्रकार की बन जाती है, अनियमित आकार की शेप बन जाएगी, इररेगुलर शेप बन जाएगी, और इररेगुलर शेप बनने से सराउंडिंग मसल्स है वो इम्प्रॉपर फंक्शन करती है, और ये मसल्स इम्प्रॉपर फंक्शन, इररेगुलर फंक्शन करने के कारण ही यहाँ पर क्या है, टिटेनी जैसी एक प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। ऐसे डिजीज को, ऐसे रोग को अपन टिटेनी कहेंगे यहाँ पर। तो टिटेनी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर डिजीज है जिसमें मसल्स इम्प्रॉपर काम करती है, और क्योंकि कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम है, मस्तिष्क के कारण
मसल्स में कैल्शियम लेवल कम हो गया और जिससे क्या कॉन्ट्रेक्शन मसल्स कॉन्ट्रेक्शन है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा, क्योंकि अधिक से अधिक कैल्शियम इस बोन के अंदर यहाँ पर डिपोजिट हो गया, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कैल्शियम है यहाँ डिपोजिट है, जिससे बोन का शेप है वो अनियमित हो जाएगा और अनियमित होने से अपने मसल्स कॉन्ट्रेक्शन अनियमित हो जाएगा और अनावश्यक वाइब्रेशन शुरू हो जाता है बॉडी के किसी ऑर्गन के अंदर और ठीक तरीके से मसल्स काम नहीं करता, जिसके कारण मसल्स की ओवरलैपिंग से कई बार अपने बॉडी के विभिन्न पार्ट से दर्द शुरू हो जाता है, जैसे कई बार अपने थाई की मसल से, शैंक की मसल से, हाथ की मसल से या अपने पीठ की मसल्स पे ओवरलैपिंग होने से दर्द शुरू होता है, तो अपन अपने नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं बाइंटा शुरू हो गया। तो व्हाट इज द बाइंटा? बाइंटा इज द ओवरलैपिंग ऑफ मसल्स, दैट इज लैक ऑफ द कैल्शियम आयन इन द मसल्स एज वेल एज इन ब्लड, दिस कंडीशन नोन एज टीटेनी, ऐसे रोग को अपन टीटेनी कहते हैं, जिसे समझ बार बार यदि किसी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के हर मसल्स में हर किसी स्थान पर दर्द उत्पन्न हो रहा है तो इसका मीनिंग कैल्शियम का लेवल कम है, तो ये कैल्शियम अपन क्या है फिर सप्लीमेंट के द्वारा लेके इसकी पूर्ति करते हैं और टीटेनी से छुटकारा पा लेते हैं। मोस्टली कैल्शियम का जो सोर्स है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कैल्शियम का सोर्स क्या है, मिल्क होता है या मिल्क से बने हुए जो अपने उत्पाद होते हैं प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क है, कर्ड है, पनीर है या इससे अन्य बने हुए जो स्वीट्स है मिल्क से, उस वो क्या कैल्शियम का एक बड़ा सोर्स है, उसके द्वारा कैल्शियम ले लेना चाहिए। कैल्शियम की कई बार अपन टेबलेट भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है लेकिन वो कैल्शियम इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, कैल्शियम की टेबलेट लेते हैं लेकिन अपनी इंटेस्टाइन है वो कैल्शियम अब्सॉर्प्शन में की रेट क्या करती है, कम करती है, जिससे अपन टेबलेट लेते हैं लेकिन वो एक्सक्रीट हो जाता है और ब्लड के अंदर वो कैल्शियम है वो जा नहीं पाता, इसके कारण क्या है कैल्शियम की पूर्ति नहीं होती। तो इसका न्यूट्रिशन ही इसका बड़ा सोर्स है जिससे अपन कैल्शियम की पूर्ति है वो अपने को करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट चीज है, कैल्शियम ही इसको इनहिबिट करता है, फीडबैक कंट्रोल भी करता है, जैसे जैसे पीटीएच हार्मोन, मान लो पीटीएच हार्मोन यहां से रिलीज हो रहा है, यहां से रिलीज हो रहा है तो ये क्या काम रहेगा ब्लड के अंदर आएगा पीटीएच हार्मोन, और पीटीएच हार्मोन कहां से आया, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड यहां से रिलीज हो रहा है, तो ब्लड में जैसे जैसे कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा यहां पर इन फीडबैक कंट्रोल करेगा, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल करेगा, पीटीएच को पैराथायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि हार्मोन कम बनाया जाए, जिससे हार्मोन कम बनेगा, कम बनेगा तो यहां ब्लड के अंदर वापस क्या कैल्शियम का लेवल कम होगा, तो इस प्रकार से ये फीडबैक कंट्रोल भी कर रहा है। इसका मीनिंग पैराथायराइड हार्मोन और कैल्शियम दोनों एक दूसरे के फीडबैक कंट्रोल में भी हेल्पफुल है, तो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल के द्वारा करवाया जाता है। तो ये बात आपके मैं समझता हूं समझ में आ गई कि पीटीएच हार्मोन का फंक्शन क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड की संरचना क्या है और इसकी कमी से होने वाले डिजीज कौन कौन सी है, ये तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इस वीडियो को आप देखें और इसे कनेक्ट करने के लिए आप उसके पूर्व वीडियो भी आप देखते रहे थायराइड ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के, जिससे आप अधिक से अधिक इस चैप्टर को अच्छा समझ सके और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।